आपको लगता है कि इस वक्त हिंदू धर्म हिंदुस्तान में खतरे में है, क्योंकि मोदी जी पीएम है, बीजेपी आरएसएस का राज है, ऐसे में हिंदुइज्म को खतरा क्या है? देखिए, हिंदुत्व को ऐसे खतरा नहीं होता। मैं चुनाव ही इसलिए लड़ रही हूँ कि ऐसे शब्दों को देश में स्थापित करने का प्रयास, विश्व में भारत को बदनाम करने का प्रयास, क्योंकि भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास, भगवा को बदनाम करने का प्रयास, ये जो हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास, ये जो है ये आज से नहीं है, ये 2008 से पहले का है। किंतु 2008 में तो मुझे भी उन्होंने इस षड्यंत्र के तहत अंदर डाल दिया। इस कारण से मेरे मन में एक ही बात आई कि क्यों नहीं, ये चुनाव जो है ना, इस चुनाव में ये सिद्ध हो जाएगा कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं होता, भगवा कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। नहीं तो आपको लगता है कि इस्लाम आतंकवादी हो सकता है? क्योंकि आतंकवादी तो इंसान होता है, वो किसी भी धर्म से हो, बिल्कुल क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो इस्लामिक भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी कि कोई भी हिंदू नहीं हो सकता या सारे मुसलमान ही होंगे। टेररिस्ट तो अलग अलग रिलीजन से आए हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति में ये है ही नहीं, सनातन संस्कृति में ये विषय है ही नहीं। परंतु जहाँ काटने की, छाटने की ये परंपराएं अगर सिखाई जाती हैं, कोई भी मत पंथ हो, मैं एक ही बात कहती हूँ उसके लिए कि कोई भी मनुष्य के विरुद्ध तो नहीं जाता, मानवीयता के विरुद्ध तो नहीं जाता है, उसमें भी कोई ना कोई ऐसे बने हो जो मतलब कभी भी कोई इसमें हो सकते हैं अब कि कोई अलग निकल गया, कोई अलग निकल गया, ये बात सत्य है। परंतु ये भी तो होता है कि उसके संस्कार देखे जाते हैं। हम तो कभी भारतीय संस्कृति कभी इस प्रकार की नहीं रही। दिग्विजय सिंह कहते हैं जिस शख्स ने हिंदू टेरर टर्म को इन्वेंट किया वो तो उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे आरके सिंह, जो कि अगर आप जीत गई हो सकता है कैबिनेट में हो, पार मिनिस्टर थे पिछली दफ़ा, वो तो विद्युत मंत्री हैं देश के, वो होम सेक्रेटरी थे उस वक्त यूपीए की सरकार के टाइम पे। बिल्कुल हो सकता है। इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूँगी कि अब मैं आई हूँ, आगे देखती हूँ। चलिए आइए, हम चलते हैं अगले स्थान की तरफ।